सो गाइस आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं वीवो के Y28 5G डिवाइस के अंदर आपने फोन के अंदर रीसेट ऑल सेटिंग का यूज कैसे करेंगे, मींस की बाय मिस्टेक आपने कोई ऐसी सेटिंग्स ओपन कर दी जिसको बंद नहीं कर पा रहे। ऐसा होता है जनरली, बहुत लोग कुछ भी सेटिंग्स ऑन कर देते हैं बट उनको एक्चुअल में नहीं पता कि ऑन कहां से करें, तो इससे प्रॉब्लम्स आती है बहुत लोगों को। तो इससे आप इजिली रीसेट कर सकते हैं, इससे आपका कोई भी डाटा वगैरह लॉस नहीं होगा, आप प्रॉपर सारी जो सेटिंग्स आपने ऑन करी है बाय मिस्टेक को बंद हो जाती है। चलो मैं डेमो कर लेता हूं और आपको रीसेट के ऑल सेटिंग्स को यूज करना सिखा देते हैं ताकि आप जो अपने फोन को रीसेट भी करें, फैक्ट्री डाटा रीसेट क्या होता है, उसमें क्या चीजें डिलीट होती है, ये सारी चीजें हम आपको दिखा देते हैं ताकि आप जो है प्रॉपर अपने फोन को विदाउट किसी प्रॉब्लम को रीसेट कर सके। गाइस फोन के अंदर रीसेट ऑल सेटिंग को एक्सेस करने के लिए सबसे पहले हम ओपन करेंगे अपने फोन सेटिंग को। सेटिंग्स हमने ऑलरेडी ओपन करा हुआ है, स्क्रॉल डाउन इसमें करके नीचे आना, एक सेटिंग्स मिलेगी सिस्टम का या फिर रीसेट ऑप्शंस, आप सर्च भी कर सकते हो अपने सेटिंग्स के सर्च बार में, ऑप्शंस इजीली आ जाएगा, देन वहां से इसको एक्सेस कर सकते हो। इसको आप प्रेस करेंगे, इसके बाद यहाँ पर रीसेट ऑप्शन है, इसको प्रेस करना, फोर ऑप्शन आपको मिल जाते हैं जिसमें आपको वाईफाई मोबाइल नेटवर्क को भी आप रीसेट कर सकते हो, एप्लीकेशंस को आप रीसेट कर सकते हो, रीसेट ऑल सेटिंग सक्सेस कर सकते हो, इवन फैक्ट्री डाटा रीसेट का। अब मैं आपको दिखाता हूं, अगर ब्लूटूथ वगैरह आपका मोबाइल नेटवर्क नहीं होता, ब्रेक होती है बार बार, वॉइस से क्लियर नहीं आ रही, तो ब्लूटूथ वगैरह को कनेक्ट कर डिसकनेक्ट करने प्रॉब्लम है तो उसको भी रीसेट कर सकते हैं। इवन एप्लीकेशंस बार बार ब्रेक हो रही है, आप उसको ओपन कर रहे हो बंद हो रही है, ओपन कर रहे हो बंद हो रही है, ऐसे सिचुएशन में एप्लीकेशंस को भी रीसेट कर सकते हो। लेकिन इसका ध्यान रखें, जब भी आप एप्स को रीसेट करेंगे जो भी अकाउंट्स होगा उसको वापस से लॉग इन करना पड़ता है रीसेट एप्स के अंदर। थर्ड ऑप्शन है रीसेट ऑल सेटिंग्स, जो भी बाय मिस्टेक आपने सेटिंग्स वगैरह को ऑन कर दिया है तो रीसेट ऑल सेटिंग्स को यूज करने से टोटली सेटिंग्स जैसे पहले थी फोन के अंदर वैसे हो जाती है और इससे कोई भी चीज आपके फोन से डिलीट नहीं होती, तो रीसेट ऑल सेटिंग का एक्सेस कर सकते हो, वो भी ऐसे केस में अगर आपने बाय मिस्टेक कोई सेटिंग्स ऑन करी और उसको बंद नहीं कर पा रहे तो। और ये लास्ट में आपको फैक्ट्री रीसेट का जो ऑप्शन मिलता है ये काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत लोगों के फोन के अंदर ऐसे ग्लिच बग्स वगैरह बहुत सारे आ जाते हैं जो नॉर्मल सेटिंग्स को रीसेट करने या फिर टोटली चीजों को करने से सॉल्व नहीं होते, लेकिन फैक्ट्री डाटा रीसेट करने से मोस्ट ऑफ केसेस में 90% चांसेस होते हैं जो आपके फोन के अंदर अगर नॉर्मली यूज करने में प्रॉब्लम्स आती है वो सॉल्व हो जाती है। कभी कभी होता है कोई चीज एक ही हो गई है वो चलती नहीं है, बहुत सारे ऐसे रैंडमली प्रॉब्लम्स आ जाती है, मैंने फेस करा बहुत सारी, तो फैक्ट्री डाटा रीसेट करने से हो जाती है। बट इसका एक चीज ध्यान रखना, इसको एक्सेस करेंगे इसमें माइक्रो एसडी कार्ड का ऑप्शन नहीं है, इसलिए ये डायरेक्टली फोन स्टोरेज के साथ ये फैक्ट्री डाटा रीसेट हो जाता है, तो जो भी आपके फोन के अंदर डाटा है डेफिनेटली वो भी डिलीट हो जाएगा और उसको रिकवर करने का कोई ऑप्शन नहीं होता। तो इसको तब यूज करें जब आपने टोटली सेटिंग्स वगैरह कर ली और आपका प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व हो रहा, तो लास्ट आपको ऑप्शंस मिलता है फैक्ट्री रीसेट, तो उसको कर लेना, लेकिन अपने जो डाटा वगैरह उसको बैकअप रख लेना, इसके बाद आप उस सेटिंग्स को एक्सेस कर सकते हो। आई थिंक समझ गए होंगे रीसेट ऑल सेटिंग का यूज कैसे करना था वीवो के Y28 5G डिवाइस के अंदर।